गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी में मैं आपको लाक कल्चर बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ आपको? लाक कल्चर जो होता है, देखिए पुरातन समय से ही लाक का उपयोग हो रहा है। लाक्षाग्रह के बारे में आपने सुना होगा, महाभारत में भी लाक का लाक्षाग्रह बनाया गया था। तो लाक का कीट के बारे में बताऊँगी। लाक का कीट क्या होता है? ये लाक पैदा करता है, जो फीमेल जो होती है लाक को पैदा करती है। ये सुर्ख लाल रंग का होता है। कैसा होता है? सुर्ख लाल रंग का मादा होती है जो कि लाक को उत्पन्न करती है, तथा निषेचन की क्रिया जो बर्फ में दो बार होती है। इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है बर्फ में दो बार होती है इसमें लाक में, ठीक है। तो लाक कल्चर में सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन जो होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। देन क्लास इसकी इंसेक्टा होती है, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा होता है, एंड स्पीसीज इसकी लाका होती है। इतना आपको क्लियर हो गया कि दिस इज अ क्लासिफिकेशन, ओके। इसके बाद आपको देखेंगे कि छोटा रेंगने वाला कीट है, छोटे सा होता है, रेंगने वाला कीट होता है। देखिए स्ट्रक्चर में मैंने फीमेल का स्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है। आपने कभी पेड़ में भी देखा होगा कि ऐसी डगाल होती है, इसमें ऐसा 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 ढेर सा लगा हुआ होता है रेड कलर का, तो ये लाख का कीट ही होता है। तो जो फीमेल जो होता है ये बड़ी होती है, क्या मेल से फीमेल बड़ी होती है, ठीक है। और ये चीज़ और बता दूँ कि जो लाख का कीट का आवास जो होता है बेर के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, ठीक है, पीपल के पेड़ में, इनमें ये लाख कीट जो रहता है, ठीक है, रहने का जो इसका आवास होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो फीमेल जो होती है मेल से बड़ी होती है, तथा 4 से 5 सेंटीमीटर तक की फीमेल होती है। इसके शरीर जो होता है, देखिए आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई भी पार्ट इस क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जो लाख का कीट जो होता है इसमें हेड, थ्रोट, लेग ये स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। एक ऐसा मतलब अनस्ट्रक्चरल, जिसका स्ट्रक्चर साफ नहीं होता, वैसे दिखाई देती है। और लाख जो होता है उसके अंदर ये पैक्ड रहती है, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे मेल जो होता है ये स्पष्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, 1 से 2 या 1 से 5 mm लंबा होता है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये क्रीम कलर की लाख स्रावित करता है। किस कलर की? जो मेल जो होता है क्रीम कलर की लाख को स्रावित करता है, तथा इसमें एंटीना पाए जाते हैं, शरीर में 10 खंड होते हैं। साथ ही इसमें क्या होते हैं, हाइडिंग बीन्स, 2 बीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लेग भी पाया जाता है, तो ये मेल और फीमेल हो गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लाख का कीट जो होता है, तो इसमें प्रत्येक जो फीमेल जो होती है, फीमेल 200 से 500 अंडे तक देती है। एक सेल के अंदर 200 से 500 अंडे, देखिए एक का भी मैं एक सेल बनाई हूँ, वहाँ पे डायग्राम के अंदर एक दिख रहे हैं आपको। तथा 6 महीने बाद ये निम्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। 6 महीने बाद ये निम्फ में पंखविहीन होते हैं, मतलब 6 महीने बाद ये निम्फ में कन्वर्ट हो निकलते हैं, जो कि पंखविहीन होते हैं। अंडे जो होते हैं 1 mm तक के लंबे होते हैं, तथा ये क्या होते हैं कि लाल या येलो रंग के दिखाई देते हैं। ये देखिए एक का चित्र भी बनाया है। उसके बाद जो होता है इसमें आप देखेंगे कि हैचिंग की क्रिया होगी। हैचिंग की क्रिया के बाद इसमें क्या होते हैं, लार्वा निकलते हैं। ये देखिए लार्वे का चित्र, लार्वा जो होते हैं प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्यूपा होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो जो मेल है और फीमेल दोनों होते हैं, और फिर आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इनमें क्या एक बनता है, और एक के बाद फिर इनमें एक हैचिंग होती है, प्यूपा बनता है। तो ये साइकिल क्रम से चलती रहती है। आप एक चीज़ और बताऊँ कि जो मेल जो होता है सिगार के आकार का भी होता है, और ये 6 से 8 माह तक मेटामेरिज होता है। याद रखिए जो इसमें मेटामेरिज में जो होता है लाख में 6 से 8 माह तक, जिसमें 30% पंख वाले और तथा 70% बिना पंख वाले, मतलब 30% जो पंख वाले हैं वो मेल बनेंगे इसमें। जैसे मैंने डायग्राम में बताया तो 70% क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, ठीक है, और 30% क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। आपको इतना पहले ही डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि जो मेल होता है उसमें पंख पाया जाता है, फीमेल में पंख वगैरह नहीं पर होते हैं। मोस्टली जो फीमेल जो होती है वही लाख निर्माण का काम करती है, तथा मुख वाले भाग से, मुख से ये जो पत्तियां वगैरह बेर की खाती हैं, और या फिर पीपल की पत्ती खाएगी, जो पीछे वाले भाग से लाख का ये स्राव करती है। मेल लाख के स्राव में कोई भी भाग नहीं रहता है, मोस्टली फीमेल का ही भाग पूरा रोल होता है, जो कि क्या करती है, लाख को स्रावित करती है और अपने चारों ओर ये लपेट लेती है। फिर जब इनको लाख का यूज करना होता है तो गर्म पानी में डाल करके इस लाख का अपन उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा लाख की चूड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लाख की वस्तुएँ बनती हैं। तो मेल फीमेल में डिफरेंस भी समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया कि मेटामॉर्फोसिस जो होता है 6 मंथ में होता है, ठीक है। ये इसमें 30% क्या बनते हैं, मेल, और 70% फीमेल बनती है। देन जो लाख का संगठन जो होता है इसमें रेजिन पाया जाता है, साथ में ये सुगर भी होता है,
वाटर, देन इसमें पिगमेंट भी पाए जाते हैं क्योंकि कलर वाला होता है रेजिन, इसमें 68 से 90% भाग जो होता है रेजिन होता है, ठीक है। ये और एल्ब्यूमिन भी पाया जाता है 5 से 10% वाला भाग जो होता है। तो ये आपको इसमें समझ स्ट्रक्चर भी आप इसकी लाइफ साइकिल समझ में आ रही होगी। इसमें एग होते हैं, फिर इसमें येलो एग निकला, फिर इसमें हैचिंग होती है, इसमें मेटामॉर्फोसिस जो होता है 6 मंथ में होता है, तथा इसमें इसके बाद प्यूपा जो होता है, प्यूपा से मेल और फीमेल निकलते हैं। जो फीमेल जो होती है इसमें पंख विहीन होती है, ये आप ध्यान रखिए। जो मेल होता है इसमें पंख पाया जाता है। ये इसका क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। देन मैंने ये भी बता दिया कि जो ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, श्रीलंका में भी पाए, मोस्टली भारत में भी लाख कल्चर बहुत होता है और पुरातन काल से ही लाख का यूज हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट। देखिए लाख का जो यूजेज है, अब इसके थोड़ा और बता दूं कि जो लाख जो होता है, लाख का जो आर्थिक महत्व होता है, तो आप देखेंगे लाख सुनार या सराफा में भी इसका उपयोग होता है, जेवर वगैरह में भी इसके पत्ते के रूप में ठोके जाते हैं या बनाए जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह में बैंगल बनाने में लाख का उपयोग होता है, इसका उपयोग खिलौने, बॉटल, कृत्रिम वस्तुओं, चमड़ा के रूप में भी लाख का उपयोग होता है, लाख को कहीं चिपकाने के लिए भी अपन यूज कर लेते हैं, इसका प्रयोग जहाज वगैरह में पेंदे में भी लगाए, जहाज के पेंदे जो होते हैं उसमें भी लाख का उपयोग किया जाता है। लाख की जो होता है ये जो इसके विद्युत पदार्थों में भी, जो विद्युत के पदार्थ हैं उसमें भी लाख का उपयोग होता है। लाख उत्पादन में कुछ तत्व होते हैं, लाख उत्पादन के कुछ तत्व होते हैं अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के कारक होते हैं जो लाख उत्पादन में नुकसान पहुँचाते हैं। अजैविक कारक में देखेंगे क्या, क्लाइमेट, वातावरण, तेज लाइट वगैरह जो होती है इसके कारण भी लाख उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। अजैविक कारक जो होते हैं, अजैविक कारक, जैविक कारक के अंदर बायोटिक गिलहरी होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं, हैं कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि लाख के जो कीट को नुकसान पहुँचाती हैं, अभी जहाँ पर लाख लग रही है वहाँ पर हानि पहुँचाते हैं, कुछ पैरासाइट या परजीवी जो लाख इंसेक्ट को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जो कि इसमें क्या करते हैं कि लाख जहाँ पर उत्पन्न हो रही है उस स्थान में या लाख के कीट को हानि पहुँचाते हैं। इसके बाद कुछ परभक्षी, कुछ ऐसे परभक्षी होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, कुछ जैसे गिद्ध मान लीजिए, कौवा मान लीजिए, क्या होते हैं लाख के कीट को भक्षण कर लेते हैं जिसके कारण लाख उद्योग में हानि पहुँचती है। तो ये मैं कुछ आपको इसीलिए बता दी कि इसका उपयोग भी हो गया और इसको लाख उत्पादन जहाँ होता है वहाँ कुछ हानियाँ भी होती हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।